हाय, दिस इज अलीदा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट 16 चैप्टर सेकंड ईयर, ठीक है। और ये शुरुआत हम जनरेटर से करेंगे क्योंकि इसका लिंक है इसके साथ। तो देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, ठीक है। द करंट एसी करंट, हेडिंग बना रहे ज़रा, एसी करंट, क्लियर हो गया। द करंट विच इज प्रोड्यूस बाय द सोर्स हुज पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ये किसी ऐसे सोर्स से जनरेट होती है जिसमें क्या होता है, पोलैरिटी क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस सोर्स की पोलैरिटी क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है, कीप ऑन रिवर्स रहती है। यानी कि जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने से पहले हम देखते हैं डीसी सोर्स क्या होता है। इस चीज़ को भी इसके ऊपर पोलैरिटी चेंज होने के ऊपर आते हैं कि डीसी में क्या होता है। ये देखिए, डायरेक्ट करंट, डीसी स्टैंड फॉर, इसका सोर्स जो होता है वो बैटरी होती है, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें बैटरी, ये मैं सर्किट पूरा कंप्लीट किया, ये रजिस्टर, ठीक है। इसमें जितना मर्जी टाइम गुजर जाए ये पॉजिटिव ही रहना या दूसरा क्या रहना है, नेगेटिव, और करंट ने इधर से इधर फ्लो करते ही रहना है। और इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, वो आपके पास ये आई और ये क्या है टी, वो बिल्कुल क्या होगा, कॉन्स्टेंट आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता एक ऐसा ग्राफ भी है, अगर मैं इसको डीसी जनरेटर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में इसका ग्राफ क्या आ रहा है, बिल्कुल इस डीसी जनरेटर के अंदर भी क्या हो रहा है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, मिनिमम से किधर हो रही है, मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, यानी कि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इसमें भी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज है। अगर आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये वाला ग्राफ, ठीक है, यहाँ से ये, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, इसमें भी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, वेरिएशन तो आ रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है, तो डीसी करंट क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। अगर डीसी आता होगा तो आप एसी को क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। ये मेरे पास क्या होगा, डीसी करंट। बच्चे अब यहाँ से देखें, अगर इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव पीक आ जाएगी लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगी डायरेक्शन। अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ क्या होगी, नेगेटिव पीक्स आना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव ना जाने का मतलब क्या है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, यूनी डायरेक्शनल रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी इसका ग्राफ बन सकता है। तो ये सारे का सारा किधर रह रहा है, यूनी डायरेक्शनल में रह रहा है, इसमें इसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रही। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, इसमें करंट कांस्टेंट है, इसमें करंट फ्लक्चुएट करेगी मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, लेकिन रिवर्स में नहीं जाएगी। क्लियर हो गया, इससे क्या होगा, रिवर्स में नहीं जाएगी। अब हम यहां से देखते हैं कि पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कैसे रहती है।
उसके लिए मुझे सबसे पहले एसी जनरेटर का पता होना क्या है, ज़रूरी है। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कॉयल, दरमियान में आर्मेचर, पिछला चैप्टर हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर बहस ही नहीं करेंगे। इसको मैकेनिकली मैंने क्या करवाया, मूव करवाया। तो मैकेनिकल जब मूव करवाया तो इधर से करंट आ रही है तो ये पॉजिटिव, जिधर जा रही है वो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉयल घूमेगी तो ये वाला जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो करंट इधर आ रही होगी वो करंट अब क्या हो रही होगी, वापस है, जा रही है, ठीक है। तो इसके पूरे एक चक्कर में इस पोलैरिटी ने जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज सोर्स है, ईएमएफ का सोर्स है, वो जनरेटर है। और जनरेटर की पोलैरिटी क्या है, कीप ऑन रिवर्स। पहले ये आधा साइकिल इस तरह घूमा, ठीक है, तो करंट ग्रीन वाली लाइन पर करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, ये पॉजिटिव बन गया था पहले हाफ साइकिल के लिए और ये क्या था, नेगेटिव फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ, घूम के वापस गया, चले मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो से टी बाय टू हाफ साइकिल के लिए, तो जैसे ही इधर रिवर्स हुआ, ठीक है, उसी वक्त करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कब, ब्लैक से है तो ब्लैक से लिखने लगा हूँ, टी बाय टू से लेकर टी तक। ये रेड से है तो मैं डायरेक्शन रेड से ही बनाऊंगा, ये ले रेड में इस तरफ है डायरेक्शन, और ब्लैक में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव से डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव की तरफ। तो बताने का मकसद ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है, कीप ऑन रिवर्स। वक्त गुजरता जाए पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटी रिवर्स है। लेकिन एक चक्कर में सिर्फ एक दफ़ा ही पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, ये ध्यान में बिठा लीजिए। अच्छा, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्स, हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके बाद देखिएगा ज़रा हम लोग नेक्स्ट देखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ज़रा इधर से कैसे एग्जाम्पल करने लगा, एसी को एक्सप्लेन करने लगा कंप्लीट, ठीक है। पहले क्या था, वो रेड से ग्रीन, रेड वाला बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये क्या था, नेगेटिव। ये एसी सिग्नल का, ये एसी का सिग्नल है, ये बैटरी जो होती है ये किसका सिग्नल होता है, डीसी का है, ये भी क्या होता है, डीसी का सिग्नल है, ठीक हो गया। अब अच्छा यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक मिनट ज़रा ये लाइट थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर, चले जी। अब मेरे पास क्या हो गया, ये मैंने किसका सोर्स बना लिया, एसी का सोर्स बना लिया, और जब टाइम कितना था, ज़ीरो से टी बाय टू, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो उस वक्त ये मैंने साथ क्या कनेक्ट कर दिया, एक रजिस्टर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, या लोड कोई भी डिवाइस क्या कर दी है, कनेक्ट कर दी है। तो ज़ीरो से टी बाय टू, तो करंट हमेशा किधर से फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ज़ीरो से टी बाय टू। अगर यहाँ से करंट क्या करे, सर्किट में फ्लो करे, तो बिल्कुल ऐसे ही होगी, ज़ीरो से टी बाय टू, क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलैरिटी, क्लियर। अब मैंने इसको नेगेटिव बना लिया, इसको क्या बना लिया, पॉजिटिव, रिवर्स हुई है ना पोलैरिटी। और टाइम कितना है, टी बाय टू से ज़ीरो, पहले हाफ साइकिल रोटेट हुआ, फिर अगला हाफ साइकिल रोटेट हुआ। पहले हाफ साइकिल के लिए अगर टाइम पीरियड टी है, ठीक है, लेट अस कंसीडर इसका टाइम पीरियड क्या है, वो है टी। टाइम पीरियड बचे कितना है, टी है, ठीक है। तो जब हाफ रोटेशन हुई तो ज़ीरो से क्या होगा, टी बाई टू, तो टाइम भी क्या होगा, हाफ होगा, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रोटेशन होगी, पहले ये देखिए एक फेज़,
ठीक है, अब जैसे ये दूसरा फेज रोटेट होगा हाफ, तो उस वक्त टाइम कितना होगा, जीरो से टी बाई टू से टी तक, और उसी वक्त पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कीप ऑन रिवर्स। वो अलग बात है, इधर चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, पिछला चैप्टर आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, 15 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा देखिए ज़रा, यहाँ से ये मैंने, ठीक है, अब ये पोल पॉजिटिव हो गया पोलैरिटी, और ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहाँ से करंट क्या फ्लो करना शुरू कर देगी, इस तरह फ्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब पहले क्या थी, इस तरफ डायरेक्शन, दूसरे हाफ में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, आपके घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है वो एक दफ़ा पूरे घर में इस तरह घूमती है, और फिर अगले हाफ टाइम में वो सारी की सारी जिस तरफ गई होती है चार्जेस, उसके अपोजिट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। इससे जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो आपके पास सिग्नल बनता है वो ये वाला बनता है। ये देखिए, पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और दूसरे हाफ साइकिल में ये क्या है, नेगेटिव, ये करंट आई, ये टाइम पीरियड, ये जीरो से टी और टी बाय टू, और यहाँ से ये टी, पहले हाफ साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब बैटरी लगी होती है तो मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जब डीसी जनरेटर लगा होता है तो मैग्नीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही होती। और यहाँ पर क्या है, अब बैटरी लगी है तो इसकी मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखिए ज़रा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, इतना टाइम है तो मैग्नीट्यूड इतनी, जब इतना टाइम हुआ तो मैग्नीट्यूड इतनी, और जब ये वाला टाइम हुआ तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फिर क्या होना शुरू होगा, मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाएगी। और ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल था, अब ये बिल्कुल इस तरह चार्जेस फ्लो किए, अब यहाँ से चार्जेस क्या करेंगे, अपोजिट क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट की मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर मैग्नीट्यूड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हमारे पास था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से इस तरह की वेव हमारे पास बनेगी। हाँ, कुछ सोर्स के अंदर इस तरह की वेव भी बन सकती है, ये देखिए ज़रा कि यहाँ से ये, ठीक है, और यहाँ से फिर ये, और यहाँ से फिर ये, क्लियर हो गया। यहाँ इसका मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव करंट है, ठीक है, आई, और इधर क्या होगी, नेगेटिव करंट हुई, तो इधर पॉजिटिव मैक्सिमम, इधर नेगेटिव मैक्सिमम। इसमें क्या हो रहा है कि विद द टाइम ऑफ करंट क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, इसमें ऐसा चक्कर नहीं है, इसमें इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगी, नेगेटिव होगी, सडनली जो भी होना है सडन होना है, इसमें क्या होना है, इंस्टेंट के हिसाब से वेरी करना है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज। इसमें क्या है कि इंस्टेंट पॉजिटिव, अगले ही इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा जी, ये हमारा हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अब मैं देखने लगा हूँ कि इसमें ये फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं और टाइम पीरियड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँगा किस चीज़ की, फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, या टाइम पीरियड देख लेते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड हम लोग किसको कहते हैं, जितने टाइम में बचे इसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई थी ना, ठीक है, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पोलैरिटी ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, रिवर्स वंस अ टाइम, ठीक है, जितनी देर में वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस, द टाइम पीरियड, द टाइम
पीरियड ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड या जितने टाइम में एसी जनरेटर अपना चक्कर क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसको हम लोग भी क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। वोल्टेज सोर्स जिसमें अपनी पोलैरिटी क्या करे, कीप ऑन रिवर्स हो, पोलैरिटी क्या हो, रिवर्स हो, उसको हम लोग क्या, जितने टाइम में वो पोलैरिटी क्या करे, रिवर्स करे, उतने ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अगर वो पोलैरिटी पूरा चक्कर कितनी देर में हो रहा है, 10 सेकंड में, तो टाइम पीरियड भी कितना होगा, 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड बाद पोलैरिटी क्या होनी है, रिवर्स होनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अभी हम बच्चे बात करने लगे हैं फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको कहते हैं? एक सेकंड के अंदर जितने ये नंबर ऑफ साइकिल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है, पोलैरिटी के या इस जनरेटर के, जनरेटर की क्वाइल के, द नंबर ऑफ साइकिल्स द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वन ओवर टी, यहाँ पर एक एमसीक्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन और यूनिटी। क्लियर हो गया? और इधर से एक और भी एमसीक्यू बनेगा, इफ टाइम पीरियड क्या हो, ठीक है, इफ टाइम पीरियड जो है 2 सेकंड हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/T और 1/2 और ये 0.5 हर्ट्स क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर। अच्छा जी, अभी हम बात करने लगे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अभी हमने देखा कि ये कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा जा रहा है, करंट की मैग्नीट्यूड या पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड या ईएमएफ की मैग्नीट्यूड चेंज हुई जा रही है। अगर करंट और ईएमएफ दोनों क्या हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो वोल्टेज सोर्स का चेंज होने का मतलब क्या है, करंट की पोलैरिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो लो जी बच्चों, आज हमने, अभी हमने पढ़ा कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी क्या हो, कीप ऑन रिवर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, और इससे जो वेव बनी वो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो सोर्स से वेव बनेगी वो बिल्कुल साइनोसाइडल वेव बनेगी, और वो साइन वेव को क्या करेगी, पॉसिबल साइन वेव को ही ग्राफ उसका साइन वेव जैसा होगा, ठीक है, और ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज और ये क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, इसका जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो आपने ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ऑफ थीटा पढ़ा हुआ है, या वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जनरेटर के घूमने से जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो किस चीज़ को फॉलो कर रही है, साइन वेव को फॉलो कर रही है, और उसमें हमने जो वोल्टेज का ग्राफ है वो वी नॉट, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा होगा, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/T, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/T इंटू टी।
ये जो वोल्टेज है इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट टेनियस वोल्टेज, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक और मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। और ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड और ये वाला छोटा टाइम जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम को फॉलो कर रहा है। अब देखने लगे हैं इसका फेज, देखने लगे हैं कितने एंगल पर वोल्टेज क्या होगी, और एंगल किसके दरमियान बना होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, और इससे हमारे हमें इसका फेज भी मिलता जाएगा। और देखते हैं ये ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, लेट सपोज वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। जब टाइम क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अभी ये कॉइल रोटेट करना क्या है, शुरू होने लगी, उस वक्त टाइम क्या है, ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो है तो तब क्या होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी, और ये ज़ीरो, और V इज इक्वल टू वी नॉट, ये सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपके पास, ये मैं बनाने लगा, जब टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी क्या है, ज़ीरो, ठीक है। जब टाइम क्या है, ज़ीरो, उस वक्त इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी क्या है, ज़ीरो। ये टाइम ज़ीरो और ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो वोल्टेज भी अभी ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर है। अच्छा जी, जब टाइम कितना हो जाएगा, टी बाय फोर, कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, पूरे टाइम पीरियड का। तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी, और इधर क्या आ जाएगा, टी बाय फोर, ये वाला टाइम मैंने पुट कर दिया। और यहाँ से ये देखिए, टी टी से कैंसल आउट, और इधर मेरे पास क्या बचेगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन, ये बचेगा पाई ओवर टू, क्योंकि ये टू इसे कट के टू रह गया, और साइन पाई बाय टू किसके इक्वल होता है, वन के, और वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट, और ये वी नॉट के इक्वल ही हो जाएगा। यानी कि जब टाइम कितना होगा, टी बाय फोर होगा जब टाइम, तो उस वक्त ये वोल्टेज क्या हो चुकी होगी, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, जो क्या मैक्सिमम तक क्या जा चुकी होगी ये वोल्टेज ग्राफ में, क्लियर हो गया, कितने टाइम पे ऊपर, टी बाय फोर के ऊपर, ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है वोल्टेज। और जब टाइम कितना होगा, टी इज इक्वल टू टी बाय टू, जब हाफ टाइम गुजर जाएगा, यानी कि पूरा ये कॉइल घूम के ये वाली साइड इस तरफ और ये वाली साइड इस तरफ आ चुकी होगी, उस वक्त क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन 2 पाई ओवर टी, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे, टी बाय टू, ये कट के वी इज इक्वल टू वी नॉट और साइन क्या हो चुका होगा, पाई, और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई क्या होता है, ज़ीरो। और आंसर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जब किसकी बात होने लगी है, जब हम बात करने लगे हैं टी बाय टू की, हाफ टाइम की, तो वोल्टेज क्या हो चुकी होगी, ज़ीरो हो चुकी होगी। इधर वोल्टेज क्या है, वी नॉट बराबर है वी के, इधर वी बराबर है ज़ीरो के, तो वोल्टेज टी बाय टू पे क्या है, ज़ीरो हो चुकी है। और इस लम्हे एंगल देख लें, इस लम्हे ये जो एंगल है इसकी वैल्यू भी गिवन कर रहा है, इस लम्हे एंगल होगा पाई बाय टू, ठीक है। जब टाइम कितना होगा, टी बाय फोर, उस वक्त एंगल कितना होगा, पाई बाय टू, और जब टाइम कितना होगा, टी बाय टू, उस वक्त एंगल कितना होगा, पाई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, अभी हम देखने लगे हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ने लगा ग्राफ, और फोर्थ वन पार्ट मैं करने लगा हूँ, थर्ड वन। तो टी इज इक्वल टू थ्री टी बाय फोर,
तो v इज इक्वल टू क्या है, v नॉट और साइन 2 पाई ओवर t, और इधर क्या आ जाएगा 3t/4, ये t t से कट गया, और v इज इक्वल टू v नॉट और 2 पाई ओवर, और क्या बचेगा साइन 2 पाई ओवर जो है साइन 2 पाई ओवर साइन 3 पाई ओवर 2 बचेगा। ये ले, ये 2 इसे कट के 2 रह गया, और 3 उस पाई के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी टी से क्या हो गया कट गया। अब एंगल ये आ गया है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है वी नॉट, और इसकी वैल्यू -1 होती है, और वोल्टेज क्या होगी -V0। अब वोल्टेज जो है नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि यहाँ से डायरेक्शन क्या कर लेगी, जब एंगल टाइम कितना है 3t/4 और एंगल कितना है 3π/2, उस वक्त वोल्टेज क्या है v इज इक्वल टू -V0 के, तो वोल्टेज क्या हो चुकी है नेगेटिव हो चुकी है। और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर हम ग्राफ सॉल्व करने लगे हैं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट और साइन 2π/t, और इधर क्या आ जाएगा t, और v इज इक्वल टू v नॉट और साइन 2π। एंगल कितना आ गया 2π, तो 2π एंगल किधर पूरा होगा, ये यहाँ पर क्या होगा पूरा होगा, और देखिएगा पूरा यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू इस लाइन के ऊपर क्या होगी v इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू t, और एंगल कितना होगा 2π, देख ले एंगल 2π, v इज इक्वल टू v नॉट और 0, और ये 0। अब यहाँ से देखे ज़रा, यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव, यहाँ पर वोल्टेज क्या है नेगेटिव, इसी तरह अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो करंट का ग्राफ भी यही होता है, i इज इक्वल टू i नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। जो वोल्टेज एंगल को फॉलो कर रही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे क्या होना शुरू हो जाएगी, करंट भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी तो मतलब क्या होगा करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई है चेंज हो गई है। अब कुछ एंटी टेस्ट के MCQs आ जाते हैं, कुछ एंटी टेस्ट के क्या आ जाते हैं MCQs, ठीक है। वो पहला MCQs कहता है कि लेट्स सपोज कितने एंगल पर, ये घूम रहा है ना, कितने एंगल पर वोल्टेज जो है अपनी मैक्सिमम के क्या हो जाएगी हाफ रह जाएगी। ये देखिए ज़रा MCQs, ठीक है, एट व्हाट एंगल, व्हाट एंगल वोल्टेज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, कितने एंगल पर वोल्टेज क्या होगी अपनी मैक्सिमम वोल्टेज के क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो इक्वेशन देखें, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा v नॉट बाई 2, मैक्सिमम के हाफ होना ना, तो इधर v नॉट और साइन ऑफ थीटा ये कट गया 1/2, और क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और ये चीज़ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा 1/2, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता जाएगा साइन की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। और एक चीज़ देखिए ज़रा कि इसमें ना सिर्फ करंट की डायरेक्शन या वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बल्कि हर इंस्टेंट के ऊपर इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या होती जा रही है चेंज होती है। इधर हो सकता है यहाँ पर कोई और वोल्टेज हो, यहाँ पर कोई और वोल्टेज हो, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज की वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आती जाएगी, यहाँ से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर क्या है मिनिमम, ठीक है। तो बताने का मकसद यह है कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो, डायरेक्शन के चेंज होते ही क्या उन्होंने शुरू हो जाता है मैग्नीट्यूड में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। एक ग्राफ जो पीछे हमने पढ़ा वो पॉजिटिव, अगले इंस्टेंट पे क्या है नेगेटिव, उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, लेकिन जो भी साइनोसाइडल
वेव होगी या साइन वेव होगी या रोटेशन की वजह से क्या बन रही होगी, वेव बन रही होगी, ठीक है। उसमें क्योंकि रोटेशन इंस्टेंटेनियसली होती है, हर इंस्टेंट पे वेरी कर रही होती है, हर इंस्टेंट पे वेरी, उसने एक पाथ को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ये ऐसे है तो अगले इंस्टेंट में इधर आ जाए, नहीं, उसने घूम कर आना है, ठीक है। तो जैसे कॉयल क्या करेगी, रोटेट करेगी, कॉयल क्या करेगी बच्चे, रोटेट करेगी। तो रोटेशन में क्या होगा, टाइम यूटिलाइज होगा, जैसे जैसे टाइम क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, ईएमएफ की वैल्यू वेरी करती रहेगी, करंट की वैल्यू वेरी करती रहेगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। तो आप लोगों ने कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं करना है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का क्या है बेसिक, ये ग्राफ कैसे कैसे एंगल चेंज हो रहा है और उस एंगल पे वोल्टेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मैंने सारा कम्प्लीटली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं हूँ अली रज़ा और काइंडली ये लेक्चर लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ कल।